कोरोना वायरस सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही होता है। अब जाहिर है ये नामचीन लोग भी किसी न किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए होंगे। अब आप ये समझ सकते हैं कि इतनी एहतियात के बाद भी अगर दुनिया की बड़ी हस्तियों को कोरोना हो रहा है तो आपको और हमको कितना जागरूक रहने की जरूरत है। ये कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी हैं। कुछ महीनों पहले ये भारत की यात्रा पर आई थी, तब इनका परिवार सबके लिए चर्चा का विषय बना था। आज ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ब्रिटेन से लौटने के बाद कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। गुरुवार को सोफी ब्रिटेन से एक कार्यक्रम से लौटी थी जिसके बाद उनमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद उनके सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजा गया तो सोफी का टेस्ट रिजल्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। वैसे तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी पत्नी में वायरस के लक्षण दिखने के बाद से ही अलग रह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को शक है कि उन्हें भी संक्रमण हुआ होगा, लिहाजा उन्हें अपने घर में 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, आइसोलेशन में रखा गया है। फिल्मों में तरह तरह का किरदार करने वाले और दर्शकों को अपनी अदाकारी से कभी हंसा देने वाले कभी रुला देने वाले ऑस्कर पुरस्कार विजेता हॉलीवुड हीरो टॉम हैंक और उनकी पत्नी रीटा विल्सन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। टॉम ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गए थे और वहीं उन्हें बुखार हुआ और उनके और उनकी पत्नी के सैंपल्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। टॉम हैंक्स और रीटा विल्सन इस समय ऑस्ट्रेलिया में ही आइसोलेशन में हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं से उन्होंने ये फोटो शेयर की है और बताया है कि आइसोलेशन में उनका अच्छा ख्याल रखा जाता है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है, नमस्कार दोस्तों, रीटा विल्सन और मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। हमें कोविड-19 हो गया है और हम आइसोलेशन वार्ड में हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए और हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। क्यों? कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित मुल्कों में ईरान का नाम शामिल है और यहां 23 सांसद कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे। अब ईरान के उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी के बारे में खबर आई है कि सैंपल टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आया है। हाल की सरकारी बैठकों में वो नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। जहांगीरी के अलावा ईरान सरकार के 2 मंत्रियों को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। ईरान के पर्यटन मंत्री अली असगर और ईरान के उद्योग मंत्री रेजा रहमानी। ईरान में कोरोना वायरस से 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ईरान के सभी राज्यों में इस वायरस ने पैर पसार लिए हैं। इटली के जाने माने फुटबॉलर डेनियल रोगानी, जिन्हें डेनी रोगानी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं। ये पहला मामला है जब सीरीज ए के किसी प्लेयर को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है। मार्च को बंद दरवाजे के पीछे यानी दर्शकों से खाली स्टेडियम में क्लब फुटबॉल खेला गया था जिसमें जुवेंटस ने इंटर मिलान को 2-0 से मात दी थी। इसके बाद रोगानी ड्रेसिंग रूम में गए थे और वहां टीम से मिले थे। अब जब रोगानी के टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और साथ ही टीम के सभी खिलाड़ियों और क्लब के अधिकारियों को अपने घरों में बंद रहने के लिए कहा गया है, यानी वे सेल्फ आइसोलेशन में हैं। चीन के बाद इटली और ईरान में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीमारी की चपेट में आने से ईरान के एक सांसद की मौत हो चुकी है और हैरान करने वाली बात यह है कि काफी पहले ही स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीरची भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खांसते हुए नजर आए थे। हालांकि ईरान पर कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को छिपाने के आरोप भी लग रहे हैं।
लेकिन हरीबची ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया था कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। कुछ ही देर पहले टेस्ट के पहले रिजल्ट आए हैं और मुझे कोरोना वायरस हो गया है, अब मेरा इलाज किया जा रहा है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी में कोरोना वायरस फैल गया है और 8 आर्मी अफसरों में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसमें 3 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कर्नल, 2 ब्रिगेडियर, 1 मेजर जनरल शामिल हैं। रावलपिंडी में जनरल आर्मी हेडक्वार्टर में इनके सैंपल भेजे गए थे और जांच के बाद पाया गया कि पाक आर्मी के अफसर कोरोना वायरस से पीड़ित हैं।